हाय साथियों, जय हिंद। अभी हमने एक जामनगर गुजरात के लिए जो रिलायंस के लिए सिक्योरिटी गार्ड का एक क्रिएटिव डाला था या उसकी एक छोटी सी रील बनाई थी, उस पर साफ साफ लिखा था कि इसमें जो लोग आर्मी से रिटायर्ड होकर के आए हैं, जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, वो लोग दिए हुए नंबरों पर कॉल करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नंबर, जो मोबाइल नंबर है, बहुत बहुत छोटा सा लिखा है, वो लोगों को दिख जाता है उसमें, लेकिन जो बड़े बड़े में उस पर लिखा है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, वही कॉल करें, वो चीज़ उनको बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो उसमें जितनी भी जो कॉल आ रही है, वो ज़्यादातर सिविलियन बच्चों की आ रही हैं। वो बोलते हैं कि हमने सर वहाँ से आपका नंबर लिया है। तो यार ऐसा मत करो मेरे भाई, वो आप लोगों के लिए नहीं है। वो सिर्फ जामनगर में जो वैकेंसीज है, वो सिर्फ भूतपूर्व जो सैनिक हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड होकर के या किसी कैप्स, BSF, CISF, CRPF रिटायर्ड होकर के आए हैं, उन लोगों के लिए वो जॉब है। अब आपके लिए भी जॉब है, ऐसी बात नहीं कि आपके लिए हमारे पास जॉब नहीं है। तो अभी आपके लिए क्या है, मैंने ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा ही यही सेम वीडियो मैं डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। और उस यूट्यूब चैनल पर जब ये वीडियो डाल दूंगा, तो उस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में ऊपर हेडिंग होती है, नीचे होता है डिस्क्रिप्शन, उसको आप जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर मैं एक लिंक दूंगा, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा वाले लगने वाला आपका है नहीं। तो मेरा यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, वो भी मेरा जो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है, वहां उसको क्लिक करोगे तो वो सीधा आपको यूट्यूब में ले जाएगा। तो वहां जाकर के आप उस फॉर्म को भर देना, इसमें सारी चीजें हैं। अग्निवीर, मान लो कोई बच्चा, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर भी है, वहां पर हम अग्निवीर या वायुसेना, एयरफोर्स, इन सभी चीजों की, नेवी है, चाहे वो पुलिस है, सिविल पुलिस है, BSF, CSF, ITBP, जो भी मत फोर्स के लिए तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग सेंटर या ये कोचिंग सेंटर जो कि रेवाड़ी में हमने खोल दिया है। तो उसके लिए भी जो कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, वो बच्चा भी उस फॉर्म को भर सकता है। या जो लोग सिविल सिक्योरिटी में भर्ती होना चाहते हैं, सिविल सिक्योरिटी का यानी जो सिविलियन है, फ्रेशर हैं, वो भी उसमें भर्ती हो सकते हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो इस वीडियोज को देख रहे हैं, उनको कहीं जॉब चाहिए इन फ्यूचर में, तो वो भी उस फॉर्म को जाकर के उसमें दी हुई डिटेलों को सारी भर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वो जैसे आप फॉर्म भरते रहेंगे, वो फॉर्म हमारे पास एक गूगल शीट के तौर पर आता रहेगा, और फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो टीम है, जो हमारी HR टीम है, जो हमारी सिविल सिक्योरिटी को देखती है, चाहे वो सर्विस टीम को देखती है, वो आपको ऑटोमेटिकली स्वतः ही हम इधर से कॉल कर लेंगे कि भाई आपका ये नंबर है हमारे पास, और आप हमारे पास ये वैकेंसी आई है, आप जॉब करना चाहते हैं या नहीं है। तो वो टीम हमारी आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें पूछ लेगी। तो आपको इसमें बिल्कुल भी डरने की या आपका एक पैसा भी खर्च इसमें होने वाला नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भरना है आपने, इसमें कोई पैसा आपका ना लगेगा, ना ही कहीं पैसा कटेगा, ठीक है। क्योंकि यार आप लोगों ने काफी राहत ऐसे फैला दिया, हम डालते हैं फौजियों के लिए, तो आप उसमें सिविलियन कॉल कर देते हैं, उनको वो सारी चीजें दिखती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पास और भी ढेर सारी जॉब होती हैं, जो कि कुछ कंपनियों में होती हैं, जिनमें स्पेयर पार्ट वगैरह बनते हैं व्हीकल्स के, मोटरसाइकिल्स के, मारुति गाड़ियों, बड़ी बड़ी जो गाड़ी होती है कारों के, उनके, तो वो टाइप भी जॉब है। 10वीं से लेकर के 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएशन लेवल के, ITI और डिप्लोमा वाला, सबके लिए आपको जॉब मिलेगा, लेकिन बशर्ते आप उस फॉर्म को जाकर के जरूर भरें, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि काफी रायता सा फैल गया है इसमें, जिसके लिए जॉब है वो तो कॉल कर नहीं रहे, जिसके लिए जॉब नहीं है वो लगातार कॉल करे जा रहे हैं। तो यार ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। नहीं तो एक ही बंदा है, उसके पास लगातार 1000 आदमी काम कॉल करेंगे या उसको मैसेज करेंगे, तो वो तो परेशान हो जाएगा ना। तो यार किसी का परेशानी का कारण ना बने। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से हैं, बिलोंग करते हैं, तो चीज़ों को समझें, सीखें, जानें, और तब फिर कोई काम करें, तभी कोई कदम उठाएं। उम्मीद करता हूँ आगे से आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। फॉर्म को जरूर भरें, जिससे ऑटोमेटिकली आपको, हमें भी आपको जॉब देने में आसानी हो, और आप भी किसी गलत कंपनी के, जहाँ पर काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं सर उसने हमारे इतने पैसे ठग लिए, तो आप भी किसी गलत कंपनी के हथकंडे ना चढ़ें, आपको सही जॉब मिले और सही जगह पर मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय।